बहुत मेहनत करी और जो नवनिर्वाचित हमारे विधायक हैं इंदुराज नरवाल जी और उनको हमने हार्दिक बधाई दी और उन्होंने सारे विधायकों का और सभी कार्यकर्ता साथियों का जिन्होंने मेहनत करी धन्यवाद किया। और आपका आज सर छोटू राम जी की जयंती है, मेरे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनकी जयंती के अवसर पर आज रात को हरियाणा में कई जगह छापे मार के किसानों को अरेस्ट किया गया, क्यों वो किसान अपने जो ये कृषि कानून जो नए बनाए हैं उसका विरोध करने के लिए अपना प्रदर्शन करें या कुछ करें, सब प्रजातंत्र सबको अधिकार है, लेकिन उनका पहले ही अगर कुछ किए शांति प्रिय या कोई उन्होंने ऐसी कानून व्यवस्था भंग नहीं की, उनको घरों से अरेस्ट किया गया है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार को कहते तुरंत उनको रिलीज किया जाए और उनकी बात सुनी जाए और उस पर विचार किया जाए, अमल किया जाए। और जो अब असेंबली सेशन होगा, पिछली बार हमने कहा उन्होंने कहा 15 दिन का नोटिस चाहिए, असेंबली सेशन में 1 महीना पहले हम APMC एक्ट में अमेंडमेंट लेके आएंगे जो कि MSP से जो कम खरीदेगा उसमें सजा का प्रावधान करेंगे, वो हमारा अधिकार है। APM पहले भी हमने सेक्शन 6 लगाया था उसमें, उसमें पेनल्टी थी, पेनल्टी के साथ सजा का भी हम प्रावधान वहाँ करने जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की बात ही, कानून व्यवस्था प्रदेश में बिल्कुल चरमरा गई है और ऐसा लगता है कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है नहीं, फ्री फॉर ऑल हुआ है। जितने आप रोज करके लूट बलात्कार हाँ सुसाइड कर रहे हैं और बहुत जो है गंभीर स्थिति देखी जा रही है, कानून व्यवस्था कायम करना सरकार की जिम्मेवारी है, एक उस मामले में बिल्कुल विफल हो गई है। और जो कोरोना के केसेस हरियाणा में बढ़े हैं, केंद्र को भी एक स्पेशल टीम भेजनी पड़ी उसकी जाँच करने के लिए, तो सरकार जो कदम उठाने चाहिए वो पूरी तरह से कदम नहीं उठा रहे, जबकि हमने शुरू में मीटिंग में कहा था भी हम पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सरकार से भी मेरा आग्रह है और लोगों के से भी मेरा ये आग्रह है कि भाई अपना मास्क लगा के रखें, अपनी दूरी बना के रखें, जब तक बीमारी पर काबू ना हो उसको बचाव में ही बचाव है, ये सरकार के साथ साथ लोग भी समझते बीमारी लें और सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो कदम उठाने में सरकार विफल रही है, सरकार तुरंत उसके कदम उठाएं। और दूसरा जो कानून लेके आए हैं ये लेबर लॉज में अमेंडमेंट लेके आए हैं उसकी भी हम जो है निंदा करते हैं और उसको भी जिस प्रकार से डील करना होगा हम करेंगे, असेंबली में उठाएंगे इस बात को। और जो आज जगह जगह से खबरें जो आ रही हैं, बाजरे की भी MSP नहीं मिल रही, गन्ने की भी पेमेंट नहीं हो रही, किसान का बुरा हाल है और जो ये सरकार का दावा जो है कि MSP हम दे रहे हैं ये दावा खोखला है। आज भी अगर आप ट्रिब्यून या कोलसा पार्क आगे देखोगे जज्जर की मंडी में फोटो दे रखी है बाजरे की बड़े है, इस प्रकार बहुत सारी मंडियों में ये हुआ है, उसका MSP भी नहीं मिल रही किसान को, खोखले खोखले दावे सरकार के हैं। तुरंत बाजरे की MSP दी जाए, पेमेंट दी जाए और कई जगह जो पेमेंट भी नहीं हुए था वो पेमेंट पूरी की जाए, तो यही हमारी की मीटिंग थी आज और सभी साथियों ने ये कहा कि वे हम मिलजुल कर सारी आवाज़ उठाएंगे और लोगों में जाएंगे, सरकार यही करता है। किसानों का आंदोलन है क्या, कांग्रेस इसका समर्थन करेगी जो उन्होंने? देखिए जो मैं हम पहले कह चुके हैं असेंबली में भी ये मैंने कहा था, ये जो 3 कानून ले गए हैं जब तक सरकार चौथा कानून नहीं लाएगी, जो MSP को जो है MSP से कम खरीदेगा उसको सजा का प्रावधान नहीं होगा, चौथा कानून लाना चाहिए, उसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और इसी वास्ते APMC एक्ट में हम अमेंडमेंट लेके आए और किसान जो अपना संघर्ष करें हमारा सहयोग मिलेगा।